बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। पाकिस्तान के मुमताज़ अदाकार उमर शरीफ निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी सेहत बहुत ख़राब है, उनको दवाओं की अशद ज़रूरत है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके लिए दवा करें, अल्लाह उनको सेहत और कामला अता फरमाए और वह बेहतर होकर अपने घर जाएँ। शरीफ साहब हमारे एक बहुत असासा हैं, हमारी फ़न की दुनिया के स्टेज के बादशाह रहे हैं। डॉक्टर फैसल साहब से बड़ी तफसीली बात हुई है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब डॉक्टर यावर हैं जो इनके कंसल्टेंट हैं, और गवर्नर साहब ने भी यहाँ पे डॉक्टर साहबान से मुलाकात की है। तो अब डॉक्टर फैसल, हमारी जो फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो, और ये डॉक्टर साहबान आपस में एक बातचीत करके तो जो भी लाइमल बनाएंगे हुकूमत उसको पूरा जो है वो सपोर्ट जो है वो देगी, और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल जो सेटिस्फेक्ट्री इलाज है वो उसकी तरफ हम लेके जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि उमर शरीफ को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर आजम की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड उमर शरीफ के इलाज का जायजा लेगा। वजीर आजम इमरान खान ने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको हिदायत की है कि वो पूरे इनके केस की जांच पड़ताल करें। अभी जो यहाँ पर इनके कंसल्टेंट हैं वो डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ एक मेडिकल बोर्ड बना के वो बोर्ड फैसला करेगा कि किस तरह से इनका इलाज होना है। डॉक्टर्स का बोर्ड बन गया है, डॉक्टर यावर और डॉक्टर फैसल सुल्तान वो चाहेंगे जिस और मज़ीद स्पेशलिस्ट को बीच में डाल लेंगे, जो वो कहेंगे। इनको अमरीका जाना है, जापान जाना है, सिंगापुर जाना है या पाकिस्तान में इलाज होना है, एयर एम्बुलेंस चाहिए या बिजनेस क्लास में जाना है, इनका ऑपरेशन लाहौर में होना है कि पाकिस्तान में होना है कि बाहर होना है, जो कुछ भी बोर्ड का फैसला होगा उसी फैसले को फैसिलिटेट किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान।